गाइस, आज हम खेले जा रहे हैं गुड पिज्ज़ा ग्रेट पिज्ज़ा। तो यहाँ हमारे शॉप में कस्टमर आ चुके हैं, तो ये हमें बता रहे कि उनको कैसा पिज्ज़ा चाहिए। तो हमें सेम टू सेम ऐसे पिज्ज़ा बना के उनको दे देना है। तो चलो हम अभी पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बता रहे कि मशीन को साफ़ करना है, तो हमने मशीन साफ़ कर ली है। हमने आटा ले लिया है, उसमें हम सॉस डालेंगे। तो हमने सॉस पूरा उसमें डाल लिया है, और अब हमें चीज़ डाल लेना है ऊपर से। हमने चीज़ पूरी तरीके से चीज़ भी डाल लिया है। तो ये टॉपिंग्स है जो हमें पिज्ज़ा के ऊपर रखने हैं। तो हमने ये एक रखा, दो रखा, तीन रखा, ऐसे हमें सब और टॉपिंग्स रखते जाना है। तो बस हो गए इतने। तो हमें अभी पिज्ज़ा ओवन में रख देना है। तो अभी हमने पिज्ज़ा ओवन में रख दिया है और ये पिज्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो हमें इसे कट करना है। तो हमने ये कट किया, फिर से इधर ये साइड से कट किया, फिर ये साइड से कट कर दिया है। तो हमने ये बॉक्स में रख दिया है और हमारे कस्टमर को दे दिए। तो कस्टमर को ये पिज्ज़ा पसंद का है। तो अभी हमें नेक्स्ट पिज्ज़ा बनाना है। तो ये बच्चा आ चुका है और उसको पेपरोनी टाइप का कुछ पिज्ज़ा चाहिए। तो हमने आटा ले लिया है और उसमें सॉस भी नहीं डालते, क्योंकि हमारे पैसे बहुत वेस्ट होते हैं। उस बच्चे को क्या पता चलेगा कुछ डाले नहीं डाले। तो हमने सिर्फ टॉपिंग्स ही डाल लेते हैं। हमने टॉपिंग्स सब डाल लिए है। अब उसको ओवन में डाल लेते हैं पिज्ज़ा को। और पिज्ज़ा को हमने ओवन में डाल लिया है और पिज्ज़ा अभी बेक हो जाएगा। तो पिज्ज़ा हमारा बन चुका है और इसको फिर से कट कर लेना है। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये भी कट कर दिया है। तो हमें ये बॉक्स में रख के बच्चे को दे देना है। ये लिखा कैसा लगा पता? बच्चा बहुत गुस्सा हो गया है। बच्चे तेरी माँ की। तो नेक्स्ट कस्टमर आ चुका है, हमें फिर से आटा ले लिया है। अभी कस्टमर गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो हमने सारे साइड से सॉस लगा दिया है, उस पर चीज़ भी भर भर के लगा दिया है। और उसमें हमने फिर से टॉपिंग्स लगाना है। तो हमने टॉपिंग भी लगा दिया है। हमें पिज्ज़ा अभी बेक कर लेना है। तो हमने ओवन में पिज्ज़ा रख दिया है और अभी ये बेक हो जाएगा। तो अभी ये पिज्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। अभी हमें पिज्ज़ा फिर से काट लेना है। तो हमने ये काटा, फिर से ये काट लिया पिज्ज़ा, फिर से इस साइड से भी काट लिया है। तो हमारा पिज्ज़ा भी रेडी हो चुका है। तो हमें बक्से में रख के कस्टमर को दे देना है। यार इसको पसंद आ जाए, इसको पसंद आ चुका है।